इस मंच पर पधारे हुए नेतागण, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल, हमारे ऑब्जर्वर और यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरी रमेश थोड़ा गर्म चैनीताला जी और पूर्व यहाँ रखो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी, सुप्रिया सुले जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी और श्रीमती चतुर्वेदी जी और सारे मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित भाइयों, यहाँ उपस्थित मेरे वकील बंधुओं, मीडिया के मेरे दोस्तों, समय की कमी होने से मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है 5 बजे। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में ही 1 घंटा नहीं, 45 मिनट में तो पहुँचेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं सिंघवी साहब डिटेल से आपके हम उन्हों बाद में बात करेंगे ये सोचा था, तो उस हिसाब से मैं टाइम टेबल डाल के, क्योंकि एयरपोर्ट में 5 से 7 बजे के बाद ये इस बीच नहीं उड़ते, तो उन्होंने तो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क किया है, लेकिन उनका स्पीच सुनने लायक रहता है। और वो जो एक दिन यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ खर्च किया एक दिन, या जब पॉलिटिक्स में ये लोग आते हैं तो ज़रा आगे पीछे देखते हैं कि लोगों को मिलने में, क्योंकि उनके सब कंसंट्रेशन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तरफ ही रहता है, और एक एक बार ऐसा होता है उनको यहाँ जाके भी फायदा क्या है, मैं अगर कोर्ट डाल के सुप्रीम कोर्ट में ठहरा, खटाखट मुझे 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, ऐसा रहता। लेकिन उन्होंने अपना समय इस संविधान बचाओ और जनतंत्र बचाओ इस एक मुहिम को वो प्रोत्साहित करने के लिए बीड़ा उठाया है, और वो हमेशा ऐसे फंक्शंस में आगे रहते हैं, तो इसीलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, इतने बिजी शेड्यूल में भी वो यहाँ पर आए हैं। ये हम तो घंटों से गप्पे मारते रहते हैं सिंघवी जी, लेकिन आप बोलने को भी पैसे लेते हैं, हम तो घंटों से गप्पे मारते ही बैठते, कहीं चाय पी के 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन आप मिनट मिनट का सोचते हैं। इसके बावजूद भी जो आप यहाँ पर आए और ये संगठन की, ये बहुत बड़ी बात है। सम्मानित मित्रों, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स की सभा में पहुंचकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं खुद आप सबके बीच से ही एक हूं, पर मैंने महसूस किया है कि जब कोई राजनीतिक अभियान चलाया जाता है तो इस क्षेत्र को खास तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि हकीकत यह है इस क्षेत्र के हमारे
साथी सबसे अधिक मददगार होते हैं, खास तौर पर सबसे कठिन दौर में आपकी बेहद अहम भूमिका लॉयर्स की होती है। हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थापना में आपने उस दौर के कई मशहूर वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसका जिक्र हमारे सिंघवी साहब ने किया है। स्वाधीनता आंदोलन में कई वकीलों ने लाखों की वकालत को छोड़कर देश के लिए काम किया। हम इस पार्टी के आधार स्तंभों में से दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत रॉय, देशबंधु चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, सी गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री को मिला। जुलाई 1946 में मैं भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा बनी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस ने बाबा साहेब जैसे कानूनविद को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया। पहले से रूढ़ी है, पहले से जो भी प्रैक्टिसेस है वैसे सहज अपर हाउस को लाना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, हमेशा उसको मनी बिल में कन्वर्ट कर देते। कन्वर्ट करने के बाद क्या है, अब बात करो, डिस्कशन करो, घर को चले जाओ। तो ये इनके ज़माने में बहुत हुआ, अब जरा रोक लगी है उसको। इसलिए रोक लगी है, इनकी गवर्नमेंट 400 पार की नहीं है, इनकी गवर्नमेंट वो खुद भी अब लंगड़े बने हैं, दोनों पैर नहीं है उनको। एक पैर टीडीपी का है, एक पैर नीतीश का है, दो पैरों पे ठहरे हो। अगर एक किसी ने खींच लिया, मोदी जी खत्म, 400 पार बोल के लोगों को डराते थे वो भी खत्म, अब आपकी माइनॉरिटी में गवर्नमेंट है। इसीलिए कोई भी अहंकार नहीं बताना चाहिए, जो अहंकार भी है वो खत्म होगा। इसीलिए वाजपेयी हमेशा गवर्नमेंट की अगर गलती है तो टीका करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, अपने उनके उसूल अलग है, हमारे उसूल अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, फिर भी एक दूसरे से मिलने से, बात करने से वो घबराते थे नहीं। इन्हों घबरा के मोदी जी किसी से बात भी नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे प्रेस भाइयों से नहीं मिलते, मुंबई में मिलते शायद, क्योंकि बड़ा शहर है, डरते नहीं होंगे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए करते होंगे, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अरे ये कैसा है भाई, देश का प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास चाहता है, लेकिन प्रेस से नहीं मिलता। मेरे को नहीं समझ रहा, हाँ तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये कि डिस्कशन से बहुत से चीजें हम सुलझ सकते हैं, ये तो डेमोक्रेसी की खूबी है। डिस्कस करो, सॉल्व करो, डिसमेंटल करो नहीं, डेमोक्रेसी को डिसमेंटल नहीं करना, वो काम ये कर रहे हैं, वो वाजपेयी नहीं करते थे पहले। वाजपेयी तो जब बांग्लादेश में एक हुकूमत को निकाल कर उसको आज़ादी करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ
जो लड़ाई चली उसमें इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उनको आज़ादी दिलाई, वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना की, इसको बोलते हैं लीडर। और उस वक्त यही हमारे वाजपेयी साहब बोले, इंदिरा गांधी तो दुर्गा है, उन्होंने खुद बोले, उनके लोग अब कुछ क्यों नहीं बोलते, लेकिन बोले ये तो देश को बचाने वाली है, दुर्गा है, और दुर्गा माता अपना काम करके दिखाई, वो बांग्लादेश को लिबरेट करी, आज़ादी दिलाई, इसीलिए उनके मुंह से ये शब्द निकले। पंडित जी की तारीफ भी करते थे, पंडित जी उनकी तारीफ करते थे, एक ना एक दिन एक जो सदस्य है इस देश का बहुत बड़ा ओहदा संभालेगा, ये वो कर। अब हम देखते हैं वहाँ मोदी भी लड़ते हैं, हम लोग भी लड़ना पड़ता है, एक दूसरे को बाचा बाची करते हैं, जैसा वो पाकिस्तान में चल रहा देखिए असेंबली में। तो कहने का मेरा मकसद है, संविधान का ठीक ढंग से अगर पालन नहीं हुआ, हम एक दूसरे से अगर नहीं मिले, देश को एकता के साथ अगर नहीं रखे, तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये कटोंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले, हाँ एक है तो सेफ है, अब सेफ नहीं है क्या देश, नहीं अब कोई खतरा है देश में, अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। अगर खतरा है तो मोदी जी से खतरा है, शाह से खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छटने का, लिंचिंग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तुम करते हो, मैं बोलूंगा क्षमा चाहता हूं, आप करते हो बोलता हूं, क्योंकि मर्यादा देना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर, तो आप करते, हम नहीं करते। अरे हम तो एक, हाँ चलिए, हम तो एक करने की कोशिश करी, इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसीलिए राहुल गांधी जी ने, सॉरी राजीव गांधी जी ने चेन्नई में श्री पेरंदूर में अपने जान दे, शहादत हो गए, ये आपने किया। अरे आप हमारी बात को टॉलरेट नहीं करते और पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देते, आप कैसे डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हो, मुझे समझ में नहीं आता। और छोटे छोटे बातों में अब बाई इलेक्शन में घूम रहे नांदेड़ में पार्लियामेंट, अब एमएलए इलेक्शन में इतने चक्कर मार रहे हैं, मैं समझता हूँ सुब्रमण्यम भी परमेश्वर के साथ जो चक्कर करने के लिए उनको कहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ये चाहते हैं, अगर कौन पहले मेरे को आके मिलेगा दुनिया की चक्कर लगा के संसार की, उसको मैं खरा बेटा मानूंगा। तब उसने सुब्रमण्यम में पाप बिचारा, यहाँ चक्कर मार, पूरी दुनिया की चक्कर मारा, लेट पहुंचा, वो गणपति वहीं बैठे थे उसके पाद के पास, पैर के पास, तो बैठने के बाद बोले कि भाई ये पहुंचने के बाद माँ बाप को बोले, मैं तो पूरा दुनिया का चक्कर मार के आपकी सेवा में यहाँ हाजिर हूँ। वो गणपति बोला, सबसे पहले मैं ही आया हूँ, क्यों? अरे बोला कि मेरे माँ बाप ने तो दुनिया बनाई है और दुनिया यहीं है, इसलिए मैं यहीं बैठा हूं। तो ऐसे लोग हैं, और चलो करता हूं वे, तो ये लोग ऐसे हैं कि
एक तो हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और करके लोगों को डिवीजन करते हैं और लोगों को बांटते हैं। अब कास्ट सिस्टम पर आए, अगर मैं बोले तो गलती नहीं होना, क्षमा करना चाहिए, मैं आपसे पूछूं, अरे देश को पहले ही तुमने वो मनुस्मृति लाके सबको बांटा है, कोई ऊपर है, कोई सेकंड लाइन में है, कोई थर्ड लाइन में है, कोई आखिरी लाइन में है, और एक अब पांचवी पंक्ति आ गई। तो देश को बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने फिलॉसफी के तहत देश को तो पहले ही बांट दिया है। अब बचा कुछ है, लोग जो होशियार है, जो वकील है, इंटेलेक्चुअल्स है, ह्यूमैनिटी जानते हैं, वैसे लोगों को काटने की सोच रहे। तो ये जो है काम वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं करते। हम तो सबको एक बनाना चाहते हैं, इकट्ठा रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं, इसके खिलाफ हैं। और मैं आखिरी में एक दो तीन मिनट लूँगा और मेरे को जल्दी चलना है कि अपने इस खास करके जो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई वो क्या है, जो सरकार ये उनकी नहीं बन सकती वहाँ पर ईडी लगाने का, सीबीआई का, सीवीसी का और इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत काम करने का उन्होंने करके सब लीडरों को कुछ ना कुछ दब्बा लगा के वो जेल में डालने का, फिर बेल में बाहर आने का। ये सब डेमोक्रेसी में व्यवस्था अगर किसी ने की तो ये मोदी सरकार ने की है। और इस ईडी सीबीआई कितने दिन डराएंगे आप, कितने लोगों को जेल में डालेंगे, ये संभव नहीं। जब तक हम एक हैं तब तक सब लोग इस संविधान की हिफाजत करेंगे और जनतंत्र का हिफाजत करेंगे। इन बातों ने, इन हरकतों ने इस सरकार से लड़ने की हमारी इरादा संकल्प मजबूत है और हम इन मजबूतों को लेकर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और खास करके गरीबों की हम हिफाजत करेंगे। और हमारा प्रिंसिपल सेक्युलर है और सेक्युलर उसूलों के तहत ही हम चलेंगे। और मैं और एक बात आपको बताने का ये है, ज़रूरी है कि हमारे जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो, अब इनकी कोशिश हो रही भारत तोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए, ठीक है कि हम उससे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफ़ेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ।
भाई उसकी पवित्रता क्या रही। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले। अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना, वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है, और ये अगर उनको, अगर मैं अपील करता हूँ आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है, मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी, और ये उसके महंत बन के बैठेंगे, ये देखना जरूरी है। हम डेमोक्रेसी में हैं, क्या वो डेमोक्रेसी चाहिए जिस डेमोक्रेसी में औरतों का कोई महत्व ही नहीं है। यहां तक कि रिसेंटली अमेरिका का इलेक्शन देखे होंगे आप, आज तक इतने प्रोग्रेसिव स्टेट समझा जाता है, रिच से समझा जाता है, डेमोक्रेटिक स्टेट समझा जाता है, आज तक कोई महिला वहां पर प्रेसिडेंट नहीं बनी। लेकिन यहां इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। हमारे महाराष्ट्र की नेता प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी और पहला शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बना के आर नारायणन। कितने उदाहरण मैं दूं, यहां पर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का, अब बोलते उन्होंने कांग्रेस वाले कोई मौका ही नहीं देते दलितों को। अरे बाबा, तुमसे पहले कांग्रेस में यशवंतराव चव्हाण जी ने और चंद लोगों ने मिलके पहला आदमी बंजारे का 12 साल चीफ मिनिस्टर था। कोई है 12 साल सतत बंजारा समाज का वही होता चीफ मिनिस्टर, वही होते ना, तो उन्होंने बने। उसके बाद फिर सुधाकर नाइक बने 2 बार, ये तुम बनाए क्या कहीं। और 16-17 साल चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब बने, इतने तो हमारे पास बनाए, तुम क्या बनाए। तो आप तो थैली उठाने का, मैं दलित माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, दलित लोगों की बात, अछूत लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अंतुले साहब का तो था ही माइनॉरिटी में, लेकिन ये लोग अपने विचारों से अलग है और दूसरों को गालियाँ देते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसीलिए इनको होशियार रहना, और उनका काम है कास्ट कास्ट में डिवीजन करना, रिलीजन में डिवीजन करना, और महिलाओं की बहुत बड़ी बात करते हैं। अरे आपके पार्टी में आरएसएस में कोई महिला चीफ बनी है, सरसंचालक क्या बोलते हैं, हाँ बने कोई बनाए। अरे आप तो उनको वोटिंग राइट देने के लिए भी तैयार नहीं थे, ये संविधान ने स्त्री और पुरुष को एक किया, बाबा साहब अंबेडकर की देन है, नेहरू जी की देन है, इन दोनों ने मिलकर तय किया अडल्ट फ्रेंचाइज देना, कोई फर्क नहीं करना, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रखना। ये काम किसी ने किया, कांग्रेस ने किया,
जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। किसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, कोई झाड़ू लगाता है तो कोई टाटा बिरला हम बोलते थे, अब तो आदि अंबानी ऐसे बड़े हो गए, ये लोगों के लिए है समझते थे। लेकिन आज जो हथियार आपके पास है वो हथियार का सही उपयोग करो, नहीं तो हमारे हमको मिली हुई आज़ादी, वोट की आज़ादी, नेता चुनने की आज़ादी, चीफ मिनिस्टर चुनने की आज़ादी, प्राइम मिनिस्टर चुनने की आज़ादी, ये ख़त्म हो जाएगा। ये संविधान बचाएगा आपको। अगर यहाँ पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का सरकार अगर आया तो ये बचेगा। मैं दूसरों का टीका नहीं कर रहा हूँ, भाई आप उन उसूलों पे नहीं चलते तो आपके खिलाफ बोलना पड़ता। मैं इसीलिए मैं जितने भी मुंबई के खास तौर पर लॉयर्स प्रोफेशनल्स अपील करता हूँ कि आप अपनी वोट की ताकत दिखाइए, और एक वकील देश को बचाने का कानून लाया है और सभी लॉयर्स मिलके देश को आज़ादी दिलाए हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हो लॉयर, सरदार पटेल हो लॉयर, मदन मोहन मालवीय हो लॉयर, सभी लॉयर्स ने ही बहुत काम किया। ऐसा ही अगर आज तुम संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का मुहिम करे तो आप देश को बचाएंगे। तो यही मैं आपसे बात करूंगा। और आखिरी साथियों, सभी जानते हैं हमारी संविधान की प्रियाम्बल में क्या लिखा है, वो तो हमारे सिंघवी साहब ने बताया। तो यही है उसमें, इन द प्रियाम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बीजेपी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट हैज इश्यू विथ 3 out of 4 ऑफ दीज रिजर्वेशंस रेजोल्यूशंस। I now take this opportunity to recommit ourselves to these resolutions and also to remind the ruling regime of the second part of the preamble, the promise to secure justice, liberty, equality and fraternity. Justice that is social, economic and political for every sections of our society, for every gender, for every member of every caste, especially those at the margins of our society. Liberty, that is freedom from the tyrannical regime that is so petrified of criticism that it hides behind disinformation and fake news. Equality and fraternity, the promise to strengthen the bonds of brotherhood amongst all our fellow citizens to fight the divisive politics of the BJP and to stand together because we are stronger together. Aap sabhi jante hain, purv Congress adhyaksh Rahul Gandhi ji ne samajik nyay ka abhiyan shuru kiya, iska pure desh mein prabhav hua। पहले उनको भी छेड़छाड़ करते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे, उन्होंने दिखा दिया कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करके, उन्होंने दिखा दिया मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने दिखाया। ये सब करने के बावजूद भी ये राहुल जी नक्सलवाद है, ये राहुल जी अर्बन नक्सलाइट को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये लाल बुक जो है इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ये सब
सफेद पन्ने हैं, अगर सफेद पन्ने इसमें हैं तो आप शायद इसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखते। ये वकील हमेशा अपने पास रखते हैं, छोटा किताब है पॉकेट डाय, तो उसको भी बोल रहे रेड रेड कॉन्स्टिट्यूशन, बोले तो नक्सलाइट को प्रोत्साहन देने वाला। चंद लोग तो वो फडणवीस ने ये भी बोला पाप बेचारा, उसमें सफेद पन्ने हैं, संविधान उसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर कहीं मिले तो सिंघवी साहब, नहीं यहाँ का पार काउंसिल के कोई मेंबर है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये बुक उनको दीजिए, उनको पढ़ने के लिए आसान होगा। और मेरे को और राहुल गांधी जी को ये देखिए 26 जुलाई 1917 में ये रेड बुक किसको दे रहे हैं? नजदीक 2017 में कोविड को ये दिया। फिर ये मैं भी बोलूं, कोविड और मोदी जी दोनों नक्सलाइट है। ये अर्बन नक्सलाइट है, तो ऐसे झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं उनको बोलता हूं बाबा तुम झूठ बोल बोल के दुनिया को बर्बाद मत करो, देश को बर्बाद मत करो, देश आज तक संभाल के चला है, कांग्रेस वालों ने संभाल के रखा है, तुम इसको बर्बाद करके सबको कचरा उठाने के लिए मत बोलो। थैंक यू, धन्यवाद। इसको जरूर करते हैं।